हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने बालों में हेयर कलर, जो कि है पैराडाइज का हेयर कलर। तो ये मैंने पहली बार ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैं स्ट्रिक्स की हेयर कलर यूज़ करती थी। एक दो बार ही बस हेयर डाई की हूँ, तो मैं पूरा रूट से हेयर डाई नहीं करूँगी। मैं सोच रही हूँ नीचे मतलब एंड के इधर ही करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है रूबी वाइन कलर की, रेड कलर नहीं है, लेकिन देखते हैं। इसके बाद मैं रिव्यू दिखाती हूँ क्या है क्या नहीं। तो ये मैंने देखे थे शार्क टैंक प्रोडक्ट्स के, तो देखते हैं। इसके काफ़ी अच्छे और सही रिव्यूज़ है गाइस, तो देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक फ्री ब्रश है कलर करने के लिए, चलो सही है। सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ टी शर्ट चेंज करके। तो मैं अपने हेयर को कलर करूँगी। इससे पहले ना मैं अपने हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर दूँगी ऐसे। तो ये है ना, ये जो दिया गया है ना, ये ब्लेंडर और हेयर पाउडर है। तो मैं इसमें ना ये बाउल में इसको कट करके ये करते हैं, ओके, मिक्स करते हैं इन दोनों को। मैंने ना ग्लूव्स पहन लिए और इसमें ना मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इन दोनों को। ये देखो, ये देखो। सो गाइस, पहले मैं ना अपने जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, उसको मैंने ना नीचे ब्लेंडर ऑलरेडी लगा दिया है। सो अभी ना हम कलर करेंगे इसमें। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा ड्राई नहीं हुआ, पता नहीं। मेरा जो कलर है ना, वो रूबी वाइन शेड का है, ये देखो। ये देखो, इसको हम आधा घंटा छोड़ दें, आधा घंटा हेयर वॉश के बाद दिखाते हैं कैसा लगता है। तो मिलते हैं। टाटा। सो गाइस, दिस इज़ माय ओवरऑल हेयर कलर।